आज मैं अलसी के बारे में कुछ आवश्यक बात बताने जा रही हूँ, इसे तीसी भी कहा जाता है। पहले हम लोग खाने में इसको इस्तेमाल करते थे तो कोई बीमारी नहीं रहती थी। अब हम लोग धीरे धीरे समय के अनुसार इसको खाना कम कर दिए हैं। अब फिर अगर खाने में शुरू कर देंगे तो कोई बीमारी शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। अलसी में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण करता है, जिसे धमनियों में रक्त प्रवाह बेहतर रहता है। यह शरीर के अतिरिक्त वसा को भी कम करती है, बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करती है, जिसे चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती, कसाव बना रहता है। अलसी में अल्फा लाइनोइक एसिड पाया जाता है, जो आर्थराइटिस, अस्थमा, डायबिटीज और कैंसर से भी लड़ने में मदद करता है, हार्मोन्स का संतुलन बनाता है। इसके सेवन से आप स्वस्थ शरीर का निर्माण कर सकते हैं। ये अलसी है, अब इसको मैं भूनने जा रही हूँ। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसको धीरे धीरे करके एक पाव अलसी है, अब इसको मैं भून रही हूँ। जब ये चटकने की आवाज़ आएगी तब इसको हम बंद कर देंगे, भूनना बंद कर देंगे। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा हम सफ़ेद तिल डालेंगे, क्योंकि सफ़ेद तिल बहुत लाभकारी होता है, कील मुहासे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अलसी जब मेरा भुना जाएगा तब इसको मिक्सी में पीस के तो दोनों का मिश्रण मिला देंगे। अब ये अलसी मेरा भुना गया, चटचटाने लगा, अब ये अलसी भुना गया। मैं सफ़ेद तिल भुनने जा रही हूँ। अब ये सफ़ेद तिल मैं भुनने जा रही हूँ। अलसी का 1/4 भाग रख लिया जाता है सफ़ेद तिल, जितना अलसी होगा उसका एक। चलो अब हो गई, देखो जरा सा थोड़ा सा तेल डाल के अब ये करी पत्ता को भून लिया जाएगा। इसी के साथ 4 हरा मिर्चा लिए हैं इसमें डालने के लिए, इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब भुना आ गया, थोड़ा थोड़ा भुनना है, अब ये भुना आ गया, करी पत्ता भून गया, थोड़ा सा मिर्चा भी भून लिए हैं, हरा मिर्चा, जिसे भुनने के बाद से ख़राब नहीं होता है। अब अलसी को बड़े बर्तन में अब इसी में सब सामग्री डाल के मिला दिया जाएगा। अब ये अलसी को डाल देंगे, अब ये तिल जो है इसको पीस के दरदरा इसको भी डाल दिया जाएगा। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया जाएगा स्वाद के अनुसार, नमक ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, 1 चम्मच नमक डाला जाएगा। अब हरा मिर्चा और करी पत्ता का ये पेस्ट है, इसको इसमें डाल दिया जाएगा। जवाइन 1 चम्मच, छोटे चम्मच से 1 चम्मच जवाइन इसमें हम डाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो चाट मसाला डालें, और नहीं तो हम तो भरा मिर्चा डाल देते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है। ये भरे मिर्चे का अचार इसमें डाल दिया जाएगा। ये लहसुन इसको दरदरा कूच के ही इसको हम इसमें मिला देंगे। लहसुन डालने से स्वादिष्ट भी हो जाता है और लहसुन फायदा भी बहुत करता है। और सब मिश्रण को अब हम मिला देंगे इसमें, धीरे धीरे इसको सब मिला देंगे। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और बनाने में भी बहुत आसान है, झटपट बन जाता है। अब ये तैयार हो गया। अब नमक आपको अगर थोड़ा ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ा सा अपनी इच्छा अनुसार नमक डाल लेंगे। वैसे नमक तो ऐसे थोड़ा कम ही खाया जाता है, तो दाल में डाल के, चावल में डाल के खाने में बहुत टेस्टी लगता है।
ये अलसी की चटनी तैयार हो गई है और इसको आप लोग बनाइए और खाइए। अगर ये पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबा दीजिए।